हेलो फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आई हूँ झटपट से बनने वाली मैगी मंचूरियन की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ चॉप करके ली हैं। ये मैंने शिमला मिर्च लिया हुआ है, ये एक प्याज लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर, प्याज और शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप कर ली है। ये मैंने 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है। ये मैगी ली है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से ये 3 मैगी के वो हम पानी में बॉईल करेंगे और 1 मैगी का टुकड़ा हम महीन महीन तोड़ कर रख लेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पानी चढ़ा दिया है, पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें अपनी मैगी तोड़ कर डाल देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें टेस्ट मेकर ऐड नहीं करना है और इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारी मैगी उबल रही है तब तक हम इसको इस तरह से महीन महीन तोड़ कर तैयार कर लेंगे। इसके टुकड़ों को बड़ा नहीं रखना है, इसे जितना महीन आप तोड़ सकते हैं उतना महीन तोड़ लें। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से तोड़ कर रख लिया। अब हमारी मैगी उबल चुकी हुई, हम इसको ड्रेन करके लाते हैं। ये देखिए, मैंने मैगी को अच्छे से छान लिया, इसका पानी सारा हटा दिया। अब जैसे ये ठंडी हो जाएगी, इसमें जो हमने अपनी सब्जियां बारीक चॉप करके रखी थी वो मिक्स कर लेंगे और जो हमने टेस्ट मेकर रखा था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच या 1.5 चम्मच कॉर्नस्टार्च मिला लेंगे, मिलाकर इसको, जिससे कि हमारी बॉल्स की बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। अब इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। इस तरह से अपनी बॉल बनाकर सारी रख लेंगे। अब देखिए, ये हमारी बॉल्स रेडी हो गई। इसको हम इस तरह से मैगी में कोट करेंगे। इसको इस तरह से अच्छे से मैगी से कोट करके हम, मैंने पान तेल गरम होने चढ़ा रखा है, हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब इस तरह से हम अपनी 1-1 बॉल मैगी से कोट करके फ्राई करते जाएंगे। इसको हमें कोट करके रखना नहीं है, नहीं तो ये जो हमने मैगी ऊपर से लगाई है ये नरम हो जाएगी। इसी तरह से सारे मंचूरियन हम डालकर फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स डालकर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर देंगे। गैस को सिम पे रखेंगे, नहीं तो हमारी जो ऊपर की मैगी की कोटिंग है वो जल जाएगी। अब हमारी सारी बॉल्स हमने फ्राई करने के लिए डाल दी है। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेंगे। जो बॉल हमने पहले डाली है उसको हम धीरे से पलट देंगे, जिससे कि नीचे से वो जलने ना पाए।
इसी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक का हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये 5 मिनट हो गए, हमारी बॉल्स फ्राई हो गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे एक एक करके। अब हम इसका सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम पैन में तेल चढ़ा देंगे, इसमें जो हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखे हैं इनको डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा बस रोस्ट करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट विनेगर डालेंगे, डालकर इसको मिक्स करेंगे। जो हमारा कॉर्नस्टार्च बचा था उसमें हम पानी मिलाकर इस तरह से सब्जी बनाकर उसमें डाल देंगे, इससे हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसमें अगर आपको लगता है कि आपका नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। ये हमारा सॉस बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें अपनी जो हमने बॉल्स बनाई थी वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ये ड्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद हो तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ड्राई बनाया है। हमारी ये मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा मैगी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।